हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको उसको बताना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं इस टर्म को। अगर इस टर्म को आप समझ गए तो आप आंसर भी लिख पाएंगे, लेकिन कई सारे बच्चे इस टर्म को ही समझने में भूल कर देते हैं और वो सही उत्तर की तरफ नहीं बढ़ पाते। ठीक, देखिए बच्चों, आधारभूत संरचना एक ऐसा संरचना होती है, एक ऐसा फैसिलिटी होता है जो हमारे समाज में होना चाहिए। जैसे 2400 घंटे बिजली, अच्छी सड़क, एजुकेशन, हॉस्पिटल की सुविधा, बैंकिंग सुविधा, पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, जिसके बिना उद्योग नहीं चल सकता, जिसके बिना मतलब कोई काम चलेगा नहीं, जिसके बिना समाज डेवलप करेगा ही नहीं करेगा। समझ रहे हो, जो बेसिक जरूरतें होती हैं, जो फंडामेंटल मतलब बेसिक मौलिक जो जरूरतें होती हैं, वो उन तमाम जरूरतों का क्या कहते हैं, बोलो, आधारभूत संरचना। किसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बोलो, बेसिक। इस टर्म का इंग्लिश अनुवाद होगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। समझे बात। अगर आपसे कोई पूछे आधारभूत संरचना क्या है तो बोलना सिंपल सर, ये हमारे आस पड़ोस में जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो जैसे उदाहरण के लिए 24 घंटा बिजली हो गया, अच्छी सड़क हो गई, फिर बैंकिंग सुविधा हो गया, इंटरनेट सुविधा हो गया, कम्युनिकेशन सुविधा हो गया। आज मान लो तुम कॉल करोगे और हेलो 5 घंटे कर रहे हो कॉल, हेलो आवाज बार बार ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहीं तुम गए किसी एरिया में, वहाँ पर जियो का या एयरटेल का कोई भी खुट्टी नहीं है, एक भी खुट्टी इस पर नहीं है टावर का, और तुम बात कर रहे हो, कॉल लगा रहे हो, नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो गाँव जो है, उस गाँव में या उस स्थान पर जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर आधारभूत संरचना नहीं है। आप कहीं गए, रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा या गड्ढा में, अगर पता ही नहीं चलता गड्ढा है, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर एकदम खट्टा है, कहीं पर मट्टी का ढेर लगा हुआ है, मतलब रोड एकदम बकवास रोड है, तो आप बोलेंगे वहां पर सुख सुविधा नहीं है, किसी चीज का लाइन नहीं है, आज लाइन गया 10 दिन बाद ही आएगा, 10 दिन बाद आएगा भी आएगा, किसी गारंटी नहीं है। समझ लो, बैंकिंग सुविधा कहीं पे अगल बगल बैंक नहीं है, खाली खेते खेत है, मतलब तो आप कह सकते हैं उस जगह पर एक चीज की घोर कमी है, उस चीज का नाम है आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, कमी है। समझ आया ना, तो रुचि बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए आधारभूत संरचना क्या है, प्लीज बताओ। आधारभूत संरचना एक ऐसी संरचना जो हमारे अगल बगल की सुविधा होती है, जैसे कि 24 घंटा बिजली, अच्छी सड़क और हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। बिल्कुल, स्कूल कॉलेज जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए इसमें। क्या होनी चाहिए बोलो, इंटरनेट की। अच्छा मान लो तो ये भी जरूरी है, ये भी आज के डेट में क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इंटरनेट की सुविधा के भी आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। देखो ना, पढ़ाई लिखाई में ही कितना चीज इंटरनेट हेल्प करता है, नहीं करता है। कोई टर्म नहीं समझ, यही टर्म है मान लो तुम नहीं समझोगे तो लिख दो व्हाट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आ जाएगा गूगल पे, या लिख दो हिंदी में आधारभूत संरचना क्या है, तुम्हें आ जाएगा। अरे टर्म अलग अलग, मतलब थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन बेसिक बातें क्या होंगी, यही होगी। तो इंटरनेट भी क्या है, किसका हिस्सा है, आधारभूत संरचना का ही हिस्सा है, समझे। अब प्रश्न पे आते हैं बच्चों, इसका क्या महत्व है, देखेंगे इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि किसी भी समाज के विकास होने में आधारभूत संरचना का अहम भूमिका होती है। क्योंकि अगर आधारभूत संरचना नहीं है तो वहां पर उद्योग नहीं लगेंगे। क्यों उद्योग नहीं लगेंगे, अच्छा मान लो कोई उद्योगपति चाहता है कि हम लगाएं उद्योग, तो वहां क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज होनी चाहिए, पहली बात बिजली, क्या होनी चाहिए, क्या बिजली के बिना उद्योग चलेगा कोई भी, सड़क ना चाहिए तब ना गाड़ी इसका जाएगा। मान लो तुम चाहते हो कि लोहा का एक बहुत बड़ा क्या लगाए, प्लांट लगाए,
लोहा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा लोहा? तो बिजली चाहिए। अब तुम सब कुछ इकट्ठा कर लिए हो, 10,000 मजदूर इकट्ठा कर लिए हो, सब कुछ इकट्ठा हो गया, रोड भी अच्छा है, बिजली ही नहीं। 10,000 मजदूर का पैसा एक दिन सब लगेगा, मजदूर तो पैसा लेगा, बिजली ही कभी आती है 3 घंटा रहा 24 घंटा पार, मजदूर तुम्हारा पैसा लेगा ही लेगा, तुम्हारा कंपनी क्या होगा, डूब जाएगा, डूबना तय है। मजदूर तो अपना पैसा लेगा, काम करो ना करो, जैसे घर बनाते हो क्या करता है, पानी होता है, काम करो ना करो, मजदूर जो आए तो पैसा तो लगा ही लेगा कि छोड़ देता है कि पानी हो रहा है तो हम नहीं कर लेंगे, मतलब पानी हो जाता है ठीक है आपको माफ कर दिए, ऐसा नहीं होता। वो तो अपना चार्ज करेगा ही करेगा, तुम ही कहीं मजदूरी करोगे, रोड का काम है, रोड पे आपको मूसलाधार बारिश हो रही है, तुम छोड़ दोगे ठेकेदार को, आज भर दिन बरसा हुआ है तो नहीं करेंगे काम, धन्यवाद। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा मान लो ये भी है, अगर मान लीजिए अच्छी सड़क ही नहीं हो, तो प्लांट ही नहीं है, लोहा का गाड़ी लोहा ही सब, मतलब उसका जो कच्चा माल होता है अयस्क वगैरह वही नहीं आए, तो लाइन भी है और सड़क ही नहीं है, कहीं पे गाड़ी तुम जिस ट्रक पे आ रहा ट्रक ही पलटी मार दे, ले हो गया, क्या समझे? उद्योग को स्थापित करने में, किसको स्थापित करने में? उद्योग को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व, बहुत महत्व। ठीक है, मान लो अब सड़क भी है बिजली भी है, अब तुम चाहते हो कि हम बात कर ले कि कहाँ पर ट्रक फंसा हुआ है, हेलो हाँ ट्रक कहाँ फंसा हुआ है, क्या बोले? आवाज ही नहीं आ रहा जी, क्या होगा? कुछ महत्व होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब बिजली, सड़क, बात करने की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, कभी भी संपर्क साध सके, हाँ ये सब क्या चीज होती है? जरूरी होती है, हाँ ये सब क्या है बोलो? जरूरी है। क्या समझे? समाज के विकास में आधारभूत संरचना का बहुत ज्यादा रोल होता है, भूमिका होती है, समझाया? धन्यवाद। तो इसका बहुत ज्यादा क्या है महत्व, लिखोगे आगे, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ला में आधारभूत संरचना की कमी होती है, वहां के लोग को रोजगार की कमी होती है, क्या होती है? रोजगार की कमी होती है, वो विकास के स्तर को, विकास के जो एक प्रॉपर उचित स्तर होता है, लेवल होता है, उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। हम पढ़ाने जहां जाते हैं, देखो बैठो, हम जहां पढ़ाने जाते हैं, विश्वास करोगे वहां पर आधारभूत संरचना का घोर कमी है, नेट भी सही से प्रॉपर नहीं चलता है, नेट भी प्रॉपर सही से नहीं चलता है, इतना इतना थाल है, इतना इतना थाल, जान कितना थाल, गाड़ी फंस गया, लो अब तुम रहो उसमें, कौन कौन गाड़ी कल ही हुआ था मेरे साथ, एक्सर दे रहे हैं, अगर बिजल का नच रहा, मिट्टी को फेंका जा रहा है, वाह फंस गए वहां पर, मेरा हेडमास्टर जो है अंत उतर करके वो क्या किया, गाड़ी को धक्का मार, ये क्या कमी है? अरे बोल सकते हैं, फोटो दिखा देंगे, फोटो खींचे, इतना इतना थाल है, उस थाल में जाकर हम जाते हैं। तो कहने का सेंस है कि वहां पर एक चीज कमी है, किसकी? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लिख देते हैं BASIC, बेसिक मतलब आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRA, INFRUCTURE, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ इसका? जो आधारभूत संरचना होती है, इसी को कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां भी लिखोगे ब्रैकेट में टर्म को लिखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको समझेगा कि इस बच्चे के पास इंग्लिश का भी क्या है, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। टर्म को तोड़ दो, इंफ्रा किसमें आता ही होगा, INFRA, इंफ्रा स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, बेसिक तो पता ही होगा, बेसिक इंफ्रा स्ट्रक्चर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको भली भांति आप समझ पाए होंगे। अगर समझ गए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।